जंक फूड अच्छा होता है या ये नेचुरल फूड अच्छा होता है? तो गोल क्या है आपका, सपना क्या है? हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नाम बताओ। रिजा पात्मा। माशाल्लाह, कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, बच्चों का टैलेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे कामयाब होंगे इस तरह से? बिल्कुल कामयाब होंगे, बच्चों में काफ़ी जज्बा है। तो बच्चों को इस तरह का बिजनेस हम लोगों को सिखाना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल सिखाना चाहिए, बच्चों को पता चले किस लिए, यानी हम इस चीज़ से क्या समझे, यानी हमें क्या सीख मिलनी चाहिए। तो सीख यही है कि बच्चों की हिम्मत बढ़ेगी इससे, आगे चल के बच्चों में काम करने की, जो ना नहीं बनेगी। चलो इन बच्चों से ही मालूम कर लेते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए, ये क्या नाम है बेटा आपका? हिफ्जा फातिमा। तो हमारे चैनल पे एक बार आप आ चुके हैं, आपको नाम भी जान चुके हैं लोग, लेकिन आज आप दूसरे रूप से मिले हैं। तो हिफ्जा, आप बना के लाई हैं, किसने बनाया ये? मैं बना कर लाई हूँ। तो ये फ्रूट चाट ही क्यों? ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और बच्चे इसको मीठे की वजह से काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, यानी नेचुरली है ये और इसमें विटामिन भी है। कोई बात नहीं, जंक फूड अच्छा होता है या ये नेचुरल फूड अच्छा होता है? नेचुरल फूड अच्छा होता है। नेचुरल फूड अच्छा होता है। तो और लोगों को क्या एडवाइस देंगे आपके, नेचुरल खाना चाहिए या जंक फूड खाना चाहिए, भुना हुआ, तला हुआ, सड़ा हुआ? नेचुरल फूड खाना चाहिए। नेचुरल, ठीक है। अगर आपको मौका मिले कुछ बनने का, आपका कोई ड्रीम है, गोल है, जैसे पढ़ने के लिए कोई ड्रीम होता है, गोल होता है कि मुझे ये है, ये बनना है, सपना? आई एम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। डॉक्टर, अरे सैल्यूट है डॉक्टर साहब आपको, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए तो फिर जंक फूड बेचना पड़ेगा, बीमार होंगे तो आएंगे? यस सर। भाई देखो, ये जो है लगता है बुर्ज खलीफा बना जाएंगे, इनको बुर्ज खलीफा की याद आ रही है। क्या नाम है? मोहम्मद हसन। तो आपने ये रेडीमेड क्यों रखा? रेडीमेड रखना पड़ा, बच्चे मानते नहीं हैं। अच्छा, यानी दुकानदारी चलाने के लिए रेडीमेड ज़रूरी होता है? जी। सब नेचुरल है ये? जी। तो गोल क्या है आपका, सपना क्या है फ्यूचर? सर्जन बनना है। सर्जन बनना है। क्या बनना है? सर्जन। सर्जन बनना है, वेरी गुड। इंसानों का या जानवरों का? इंसानों का। अगर सर्जन बाई चांस ना बन पाए तो फिर क्या बनेंगे? यही बेचेंगे, एक परचून की दुकान करनी और काम चलाना। बिजनेसमैन। वेरी गुड, बिजनेसमैन। यहाँ जो कहते हैं कि भाई मुसलमान के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मैकेनिक बनना चाहते हैं या फिर क्या नाम, मजदूरी करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन बच्चों की सोच से, इन बच्चों की थिंक बता रही है कि ये लोग कुछ करना चाहते हैं। लेकिन सभी माँ बाप से मैं कहना चाहूँगा कि इन बच्चों के सपनों पे ध्यान दीजिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।